वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्राय मेहरबानी अभी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, असल में बहुत पुर मार्क्स निकाला था और सेकंड ऑफ क्या होगा सर के साथ के वक्त के वजह के कारण जो हम पूरा मकाला नहीं सुन सके, इंशाल्लाह जब किताबी शक्ल में छाया होगा तो सभी लोग इस पर आपके दास्तान की लेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। माफ़ी चाहते हैं। अब मैं डॉक्टर अली अब्बास जो चंडीगढ़ से यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा डॉक्टर साहब से कि अपने मकाले की तलखीस पेश करें, वक्त की बहुत किल्लत है। मेरे मकाले का मौजू है पंजाब के दो अहम अफसाने नगारों के यहाँ मकामी तहजीब व सकाफत, एक तकाबली मुतालिया 10 मिनट के अंदर ख़त्म करूँगा। तहजीब व सकाफत किसी कौम या माशरे का अक्स होती है, इसमें मज़हब अकायद और मफनून अखलाकियात मामलात हुनर और रस्म रवाज वगैरह सभी कुछ शामिल होते हैं। पंजाब के लोग अगरचे अवामी तहजीब के हर पेचीदा और नई वसात को अपनाने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, ताहम वो अपनी कदीम रवायती और सादा ज़िंदगी से पूरी तरह वफादारी का सबूत भी बहम देते रहते हैं। यहाँ की मिट्टी से जन्म लेने वाला न मज़हब पेचीदा है, न रक्स, न मौसीकी, न शायरी और न ही फन तामीर ही। जदीदियत को बहुत तेज़ी से अपनाने वाले पंजाब ने अपनी इनफरादियत को कायम रखते हुए अपना रिश्ता यहाँ के कदीम तहजीब और गहरी रवायत के साथ हमेशा मजबूत रखा है। इस मजमून में पंजाबी तहजीब व सकाफत को मगरबी और मशरकी पंजाब के दो अहम अफसाने नगारों के हवाले से पेश किया जाएगा। पहले मरहले में अहमद अदीम कासमी की अफसानवी दुनिया की सैर करते हुए पंजाबी तहजीब की तस्वीरें पेश की जाएंगी। अहमद अदीम कासमी शुमाल मगरबी पंजाब के दामन में फैली हुई देही तहजीब व सकाफत को अपने अफसानों का मौजू बनाते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह खुद भी पंजाब के इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और इनका अवलीन मुशाहदा यही देहात थे। इस तरह ज़िंदगी को अपने अफसानों का मौजू बनाने के पीछे जो फिक्र कार फरमा थी उसका जिक्र करते हुए वो खुद लिखते हैं, कोट, देहात में रहने वालों का हम पर बड़ा हक है। हमारे यहाँ 80% आबादी शहरों से दूर देहात में बसती है और फिर हमारी इक्तसादियात में वो रीढ़ की हड्डी के मानंद है, क्योंकि हमारा मुआशरा ज़रई है और ज़रात पेशा आबादी को नज़रअंदाज करके हम अलामती या तजरीदी अफसाने लिखने लगें और सीढ़ियाँ लगाकर अपने बातिन में उतर जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। अहमद अदीम कासमी के इब्तदाई अफसानों में पंजाब के गांवों का माहौल गालिब है। किसान चौपाल, फितरी मनाजिर, पहाड़, नदियाँ, दरिया, पगडंडियाँ, खेत खलियान, देहात के सादल्ला अफराद, उनके गम और खुशी, बहादुरी और खुददारी, खलूस और मोहब्बत, मजहबियत, तवहम परस्ती, खुशियाँ, महरूमियाँ, रस्म रिवाज और रोमानियत, गरज के तमाम मसाइले ज़िंदगी कास्मिक यहाँ शौरी तौर पर पाए जाते हैं। इनके अफसानों में पंजाब का दिल धड़कता है। इन्होंने बड़ी हुनरमंदी से इस माशरे की अक्कासी की है जो यहाँ की मिट्टी में रचा बसा है। सबसे पहले हम पंजाब की तहजीब व सकाफत की वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की सूरत में देखते हैं, जिसमें खलूस और मोहब्बत के साथ अपनाइयत का इंतहाई जज्बा शामिल है। कास्मिक के अफसाने हर जाई की खातून अजनबी नौजवान से कुछ इस तरह मुखातब होती है कि उसके अंदाज़े तकल्लुम से अजनबियत का ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। वो फ़कत इतना कहती है, कोट, रोज़ाना छाछ पी जाया करो बेटा, तेरा अपना घर है, अनकोट। अहमद अदीम कासमी ने अपने अफसानों में पंजाब के तहजीबी और सकाफती निज़ाम के हर जहसे तर्जुमानी की है, जहाँ रस्म रिवाज, तर्ज बुजबाश, लिबास, खुराक, जरिया आय रोज़गार और कुदरती मनाजिर हैं, वहीं अकायद, तर्ज फिक्र, तवहमात, तरजीहात और उनके महसूसात वगैरह से भी भरपूर फ़ायदा उठाया है। इन्होंने अपने अफसानों में ज़िंदगी की बुनियादी सदाकतों को इस तरह पेश किया है कि उनमें तमाम तर फनी हुनरमंदी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पंजाबी सकाफत की खुशरंगियों का अंदाज़ा यहाँ की शादी ब्याह के उस दिलकश और खुशकुन नज़ारे से किया जा सकता है जिसमें एक बारात का मंजर यूँ पेश किया गया है, कोट, आगे आगे इलाके के मशहूर मिरासी थे, मिरासियों के पीछे सवार थे, इनके शमले मोरों की धुओं से भी ज़्यादा फैले हुए थे और जिनकी मूछें आसमान की तरफ इशारा कर रही थीं, उनके पीछे चार ऊँट थे जिनके हाथों में
घुटनों पर, गर्दनों में, सीनों पर मोटे मोटे घुघरुओं की मालाएं बधी हुई और जिन पर लदे हुए खजाओं में कई लड़कियां बैठी थीं जो अपने आप से शर्माती और लाज से सिकुड़ जाती थीं। अनुभव कासमी के बेशर अफसानों को मौजूद तवहमात की मजम्मत कुराना अकीदों पर तंज और हकीकत हाल को मंजरेआम पर लाना है। उनके अफसाने को पैमा में पंजाब के एक ऐसे गांव की कहानी बयान की गई है जिसके बाशिंदे जिन्नात के तवाहुम में मुब्तला हैं मगर कभी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। एक इकतबास कोट, कल मौलवी जी कह रहे थे मैंने बूढ़े नीम के नीचे पेशाब कर दिया, इसलिए नीम की पुरानी डाइन मेरा कलेजा निकाल कर खा गई, कलेजे वाली जगह मुझे खाली जान पड़ती है। अनकोट अहमद अदीम कासमी के यहाँ गहरे मुशाहदे, फिक्र और तखय्युल की आमेजिश से जन्म लेने वाली कहानियों में पंजाब के हर तबके की तहजीबी और माशरती सूरत हालात को नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। खसूसा नाखानदा अफराद की सादा लोही को उमदा तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। जिन्स ज़दा और शहवत गजीदा इंसानों की जो कहानियाँ उनके यहाँ मिलती हैं उनमें भी देहात के बड़े बूढ़ों की तबाहुन परस्ती को खसूसियत से पेश किया गया है। कपास का फूल में जिनसी घुटन की शिकार एक लड़की जब अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है तो गांव के सादा लख बुजुर्ग ये कहकर खामोश हो जाते हैं। कोट, बड़े बूढ़े कहते हैं कि केकर की खुशबू में जिन होता है और जिन सिर्फ कुंवारियों को ही नजर आता है और जिसे नजर आ जाता है उसे इश्क हो जाता है और एक भगा ले जाता है दूसरी भाग जाती है। अनकोट, एक तरफ इसको भी छोड़ कहा जा सकता है कि अहमद अदीम कासमी का रुझान और फितरी मैलान पंजाब के देहात की तरफ ज़्यादा था और इन्होंने यहाँ के हुस्न के साथ यहाँ के अवाम के दर्द कर्ब, उनके मफलूक हाली और खाना वीरानी को पेश करके मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी को बड़ी बारीकी से पेश किया है। दूसरे मरहले में बलवंत सिंह जो मशरकी पंजाब से जिनका ताल्लुक है वो किस तरह से यहाँ की तहजीब को पेश करते हैं वो देखें। इन्होंने मशरकी पंजाब की सकाफत को मुख्तलिफ जहतों से अपने अफसानों का मौजू बनाकर यहाँ की देही जिंदगी की हकीकी तस्वीर कशी करके पंजाबी तहजीब व सकाफत को हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। उर्दू अफसाने में देहात निगारी की जो इब्तदा प्रेमचंद ने की थी वो अहमद अदीम कासमी की अफसाना निगारी से होती हुई बलवंत सिंह के अफसानों में अपने कमाल को पहुंची हुई नजर आती है। प्रेमचंद ने देही जिंदगी के तल्ख मसाइल को और अहमद अदीम कासमी ने पंजाब के गाँवों की सूरत हालात को रोमानवी फजा में घोल कर जबकि बलवंत सिंह ने अपनी कहानियों में यहाँ की हकीकी जिंदगी को बड़ी बेबाकी से मिनोअन पेश कर दिया है। अगर इनके अफसानों में भी रोमान की एक जेरी लहर मौजूद होती है लेकिन इनके यहाँ ये रोमानवी फजा तख्लीकी या तखयली नहीं होती बल्कि हकीकी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। चूंकि पंजाब के देहात मईशत के लिहाज से ज़रात पर मुनहसर है इसलिए यहाँ की जिंदगी में सनअती माहौल की तेज रफ्तारी और तरक्की की भाग दौड़ के बजाय एक ठहराव और आहिस्तरवी का एहसास होता है। देहात के बाशिंदे मावाशी पसमानदगी का शिकार होने के बावजूद जिस्मानी एतबार से तनोमंद और मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, यही वजह है कि इनकी जिस्मानी ताकत, बहादुरी और दिलेरी मावाशी बदहाली के सबब जरायम का रास्ता अख्तियार कर लेती है। बलवंत सिंह का अफसानवी कैनवस चूंकि पंजाब तक महदूद है इसलिए इनके ज्यादातर अफसानों के किरदार पंजाबी लबोलहजे के साथ शिद्दत जज्बात से मगलूब नजर आते हैं। बलवंत सिंह के अफसाने पंजाब के देही तमद्दुन, फितरी माहौल और माशी सूरत हाल की बेहतरीन अक्कासी करते हैं। जाहिर है कि इनके अफसाने सिख बरादरी को नुमाइंदगी करते हैं और ऐसा इसलिए है कि इनका ताल्लुक बराह रास्त इस बरादरी से था। चुनांचे इनके मजहबी अकायद सदियों से चली आ रही अपनी रवायात की अक्कासी इनके अफसानों में जा बजा देखे जा सकते हैं। बलवंत सिंह ने अपने अफसानों में पंजाब के शहर और देहात के मुतवस्सित तबके के नौजवानों के किरदारों को भी बखूबी पेश किया है। वो अपने अफसानों में उन नौजवानों के मसाइल, बागियाना ख्यालात, उनके फितरी तजादात और इंसानी अजमत के नकूश को इस तरह उभारा है कि वो हकीकी जिंदगी से करीब तर मालूम होते हैं। अलबत्ता बलवंत सिंह ने जो शहरी जिंदगी से मुतालिक अफसाने लिखे हैं वो अहमद अदीम कासमी की तरह उनके नुमाइंदे अफसाने नहीं कहे जा सकते क्योंकि जो हिस्सियत और हकीकत इनके देहाती अफसानों में मिलती है वो लाख कोशिशों के बावजूद शहरी जिंदगी से मुतालिक अफसानों में नजर नहीं आती। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये भी उन्हीं मौजूआत को पेश करते हैं जिनको उस अहद के ज्यादातर तरक्की पसंद अफसाना नगार अपने अफसानों का मौजू बनाते रहे हैं, यानी मुतवस्सित तबके के इकतसादी, माशी और समाजी मसाइल के साथ उनके बेरोजगारी और जिनसी बेहारवी, तारोपौत और शिकस्त रोमान की ज्यादातर कहानियां इसी पस मंजर में लिखी गई हैं। दोनों के दरमियान इम्तियाज का है बस वही कंक्लूड।
अहमद अदीम कासमी के यहाँ पंजाब की सकाफत में रोमानियत और बलवंत सिंह के यहाँ हकीकत नगारी मिलती है। कासमी को पंजाब के देहात में गुर्बत और इफलास का एहसास तो होता है, लेकिन वो अपनी शायराना तबीयत से खेतों, मैदानों और घरों में मौजूद अलबेले जवानों और अल्लड़ दोशीजाओं की कहानियों में रोमानियत तलाश कर लेते हैं, जबकि बलवंत सिंह पंजाब के रोमान से वाकिफ होने के बावजूद अपनी कहानियों में रोमानियत को हावी नहीं होने देते। वो हुस्न का इजहार तखयली रोमान के बजाय हकीकत निगारी से करते हैं। उस अहद में चूंकि पंजाब के लोगों की जिंदगी का इन्हसार ज़रात पर था, इसलिए बलवंत सिंह के अफसानों में जागीरदाराना माशी निज़ाम की बदौलत एक खास किस्म का आहिस्तपन और ठहराव होने के बावजूद बेबाकी, दिलेरी और जुरात साफ महसूस की जा सकती है, जबकि अहमद अदीम कासमी के अफसानों में ज़्यादातर किरदार मुआशरती जबर के बावजूद तब्दीली के ख्वाह नजर आया। से वक्त में आपने मकाले की तरखीज़ पेश की, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब मैं दावत दे रहा हूँ बशीर बदर के शहर भोपाल से तशरीफ़ फरमा, यहाँ पर आरिफ अजीज़ साहब हैं भोपाल से, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वह अपना मकाला पेश करें। आरिफ अजीज़ साहब भोपाल से। मुल्ला रमूदी तखल्लुस भोपाली के किरदारों में भोपाल की भोपाल कबीर वस्ते हिंद की निर्वतन एक छोटी सी रियासत थी, लेकिन जबान व अदब और सहाफत और सकाफत के फरोग में इसका बड़ा हिस्सा है। यहाँ मुसलसल चार नस्लों तक इल्म परवर अदब नवाज देगमाज की हुक्मरानी रही, जो दुनिया की तारीख में वाहिद मिसाल है। भोपाल की दूसरी बेगम नवाब सिकंदर जहाँ ने बर सगीर में सबसे पहले 1859 में उर्दू जबान को फारसी की जगह रियासत की सरकारी जबान बनाया। तीसरी बेगम नवाब शाहजहाँ बेगम ने एक गोरिया नशी आलिम मौलवी सिद्दीक हसन को अपना शरीक हयात बनाकर उनके इल्मी कारनामों की इशाअत के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। शाहजहाँ बेगम बजात खुद उर्दू की अदीबा, हिंदी और उर्दू की शायरा, लौत की मुरतबा और दर्जनों किताबों की मुसलफा थी। चौथी बेगम नवाब सुल्तान जहाँ बेगम की इल्म नवाजी की सनद के तौर पर दारुल मुसन्निफीन के क़याम सैयद नबी की इशाअत में माली मदद का हवाला देना काफ़ी होगा। बेगम साहिबा भी 43 किताबों की मुसलफा और रियासत में तालीम निस्मा की पेशकश थी। सर सैयद के ख्वाब की ताबीर की सूरत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई तो मौसूफा उसकी पहली और दूसरी मुद्दत के लिए चांसलर मुंतखब हुई। सरजमीन भोपाल को अपने अहद के मशाहिर अमीन मीनाई, सर सैयद हाली इकबाल चिबली, सर्रात मकबूल, सैयद सलमान नदवी, मौलाना आज़ाद, दिगर मुरादा आबादी एक लंबी फहरिस्त है। उनके कदम लेने की सआदत हासिल हुई। यहाँ गालिब का कलमी दीवान मंदर आम पर आया और नुस्खा हमीदिया के नाम से शायर हुआ। भोपाल की और भी इम्तियाजात हैं। यहाँ उर्दू की पहली हिंदू साहिबी दीवान शायरा सूरज कला सुहाग पैदा हुई वगैरह वगैरह। मुल्ला रमूदी वो सखद भोपाली के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता था। मुल्ला रमूदी ने जिस जबान को अपने किरदारों की तर्जुमानी के लिए इस्तेमाल किया उसके रगो रेशे से वो वाकिफ थे। उन्होंने कभी गैरत दिलाकर, कभी तहकहे लगाकर लोगों के दिल दिमाग को मुतासर किया, खासतौर पर इंसानी बेस्तदाजियों को हजब बनाकर उस पर ऐसे आईने का काम किया जिसमें समाज की हकीकी शक्ल सूरत देखी जा सकती। मुल्ला रमूदी का दौर गैर मुंतसिम हिंदुस्तान की तारीख में गहरी तब्दीलियों, नामवारियों का जमाना था। अंग्रेजी साम्राज्य के साथ लड़ रही थी, आज़ादी की तहरीक पर कौम परस्ती का रंग छा रहा था, तहम गैर मुल्की इकतदार के खिलाफ जबान और कलम के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी। तनकीद, तुजूर, इख्तलाफ़ राय भी काबिल सज़ा जुर्म था, जिससे बचने के लिए मुल्ला रमूदी ने तंद मज़ाक का वसीला अपनाया और हिंदी और हंसी मज़ाक का ऐसा पैराया अपनाया जो गुलाबी उर्दू के नाम से मशहूर था। इसके जरिए उन्होंने हंसाया ही नहीं, जख्मों पर नौत पाशी करके लोगों को रुलाया भी। उनका एक किरदार नन्हे मियाँ की अम्मा पर मशहूर हुआ, क्योंकि किसी खास इलाके या तबके का न होकर भोपाल के हर घर का किरदार था। लोग इसे अपने माशरे में चर्चा फिरता देख रहे थे, लिहाजा उन्हें मुतासर करने लगा वो पढ़ने वाले मुल्ला रमूदी की इंसानी नफसियात पर
گہری نظر کے قائل ہو گئے۔ اس میں انہیں متبدد طبقے کا سماج بلکہ بھوپال کی روایات ساتھ لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملا رموزی نے یوں تو بھوپال کے کئی مخصوص کردار اپنی تحریروں میں پیش کیے، لیکن بھوپال میں شادی کے رسومات کا اپنی کتاب شادی میں اس مہارت کے ساتھ خاکہ اتارا کا کتنی مؤثر افغانی کا پلاٹ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس میں پہلے نکاح و بارات کے مناظر گزرتے ہیں، پھر شادی کا نقطۂ عبور اور رخصتی کی رسم ادا ہوتی ہے، دوست و عزیز پہرے پڑھتے ہیں، عورتیں ڈوریاں گاتی ہیں، حد حیثیت دعوت غریمہ ہوتی ہے، تب کہیں جا کر ننھے میاں کی اماں یعنی دلہن صاحبہ تشریف لاتی ہیں۔ اس کا اور بھی تفصیل ہے کہ میں اس کو پڑھتا ہوں۔ بھوپال کے دوسرے معروف تنوازہ نگار تخلص بھوپالی ہیں، وہ شاعر نہیں تھے، انہوں نے قلمی نام، ان کے قلمی نام کا ایک حصہ تخلص ضرور ہے۔ تخلص نے ادھیڑ عمر کی عمر میں شاعری کے سے بڑا دھماکہ خاندان والی خالہ کا کردار پیش کر کے کیا، اور خالہ کے لیے جو زبان استعمال کی اس نے نئی تہذیب کے مطبعوں کے ہوش اڑا دیے۔ بھوپال کے اخلاق و آداب سے آراستہ اس تہذیب کو پروان چڑھایا تھا، بھوپال نے اخلاق و آداب سے آراستہ اس تہذیب کو پروان چڑھایا تھا۔ نئی ہوائیں جب اسے اڑا کر لے جانے لگیں، تخلص کو یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے پاندان والی خالہ غفور میاں کی زبانی دشمنان تہذیب پر حملے کیے۔ ادب، معیشت، معاشرت، مذہب، سیاست، سوشلزم، خاندانی رسوم و رواج، یہاں تک کہ انقلابات زمانہ کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا تخلص نے پاندان والی خالہ کی زبانی اس کے بقیے نہ گزرو دیے ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ خالہ کا کردار بھوپال کا ایک کلاسیکل کیریکٹر ہے جس میں پورا سماج ساتھ لے رہا تھا۔ تخلص نے معاشرے کی ٹوٹی قدموں کی عکاسی کے ساتھ بھوپال کی زبان و بیان کو اس مہارت کے ساتھ اپنے کرداروں میں برتا جو رائے پر نظر مووی پہ کیمرے کا گمان ہوتا ہے، جو بیک وقت دردناک مذہب خیز پہلوؤں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ سچائی یہ ہے تخلص نے اپنے کرداروں کے ذریعے مذاہب پیدا نہیں کیا، عام ذہنوں کو سوچنے پر بھی مجبور کیا ہے۔ تخلص کے پہلے بھی کئی مذاہب نگاروں نے ادب و سماج، سیاست و مذہب کے نمائندوں کا خاکہ اگایا ہے۔ ان کو چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے خالہ کے لب و لہجے میں آزادی کے بعد کے زوال دینی معاشرے کی ایسی منظر کہی گی اس پر آج کی صورت حال کا دھوکہ رہتا ہے۔ الیکشن کے بارے میں خالہ کی ایک گفتگو ڈالی ہے، خالہ سلام، جواب میں خالہ دعائیں دیتی ہیں، اللہ تمہیں اتنا دے کہ دیا نہ جائے، کمانے والوں کو اللہ سر پر رکھے۔ خالہ اتنے دن کہاں رہیں، ہم تو سمجھے تھے کہ کہیں طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو۔ مہندی کی عورتوں نے مزاج پوچھی کرتے ہوئے کہا، نہ، کہیں بی بی اپنے میکے میں تھی، چونا گھر چھوڑ کے کیسے آتی، خدا خدا کر کے بھاوا جائی تو پیر کھلا ہوا، اور تو سب اچھے ہیں گھر میں، زینب ہے یا گئی اپنے گاؤں؟ جواب، ابھی برسات پانی میں کدھر جائے گی، گاؤں میں مکان بھی بیچاری کا گر پڑا، گھوڑ مویشی بہ گئے، مرغا مرغی سب آگ لگے تتر بتر ہو گئے، ادھر گاؤں والے زینب کے دولہا کے خلاف ہیں، جھاڑو پھرے جان کے دشمن بنے ہیں۔ کیوں خالہ دشمن کیوں؟ وہی بھائی ووٹ نہیں دیا تھا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کو ووٹ نہیں دیا تو آگ لگا ممبر بن گیا، بس اب دشمنائی کر رہا ہے، ان ووٹوں نے گاؤں والوں کو بھی دیوانہ بنا دیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا ہے، کھیتی باڑی الگ چھوڑی، بس صبح سے شام تک ایک دوسرے کی برائی غیبت کو کاٹ چھاٹ کر ہی سوچا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل دے، کیا چالا ہے ان لوگوں کو، اللہ کسی دشمن کو نہ لگائے اس راستے پر، میرے جاہل ہیں آگ لگے گنوار، وہ کیا جانے عدالت کچہری کرنا، اس لیے تو بی بی عمدہ یہ تھا، ہر پنچایت میں پڑھے لکھے آدمی کو رکھتے تھے تو پنچایت بھی بنی رہتی، وہ گاؤں کے چھوٹے موٹے جھگڑے کا بھی نپٹارا ہوا کرتا۔ دیکھنا بی بی، دکھا دوں گی، وہ بھول گدا گد ہو گئی کہ توبہ ہے، میری انگریز جھاڑو پھیرا بھی کبھی اتنا ایک دوسرے کو نہیں لڑاتا تھا جتنے ہمارے الفتیہ راجا رئیس گاؤں گاؤں لڑتے چل رہے ہیں۔ خود گدیوں پر بیٹھنے کا سبق سیکھ لیا ہے، اپنے قدے کی خیر مناتے ہیں، اے بی بی، راجا تو وہی اچھا تھا جو خود بھی خوش رہے تو رعایا کو بھی خوش رکھے، اس کی نظر میں ساتوں ذاتیں برابر ہوں، کیا مجال جو کسی کے دل میں
मिट्टी की तरफ से मेल को डाल दे थोड़ा सा। हालांकि गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि तहद्दुद भोपाली का ये किरदार अपने जमाने के मुतबस्सिर तबके की औरतों का मिजाज और माहौल का नुमाइंदा है। हालांकि अपने माजी से मोहब्बत हाल की फिक्र है, वो उन्हें जौता देखती हैं उनका दिल मुस्तरब हो जाता है, उन लहजे में तलबी तंत की धार तेज हो जाती है। उनकी दुनिया महदूद होते हुए भी अपने दायरे में मालूम से पूर्ण है। वो घर बाहर की उलझनों के साथ मकामी बैरूनी मसाइल पर अच्छी निगाह रखती हैं। मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद आम शहरियों को उसका फल नहीं मिला, नए हाकिम अंग्रेजों से ज़्यादा खुदगर्द हो गए तो खाला की जबान बेसाख्ता कलकुश सच्चाई को बयान करने लगी। खाला को अपने माशरती जवाल का गहरा एहसास है और उस पर जाओ भेजा तबसरा करने से वो नहीं सुनती। वो हालात की सितम दरीशी का शिकार जरूर है, लेकिन मसाई के आगे सुपर नहीं डालती, बल्कि कारोबार जिंदगी को गवारा बनाने मुश्किल के हल निकालने में सरगर्म अमन पूर्वी नजर आती हैं। खाला का ये किरदार भोपाल की नवाबी रियासत की बोलचाल माहौल मिजाज ख्यालात और नजरियात का परवरता है, लेकिन हालात की सितम दरीशी का शिकार होकर उसके आगे सुपर नहीं डालता, न मायूस होता है, इसके बजाय जिंदगी के धारे को मुस्बत सिम देकर गवारा बनाने की कोशिश करता नजर आता है। Thank you.